अच्छा ढिल्लों जी, मैंड म्यूजिक के साथ आपने काम किया है, हाँ जी, हाँ जी. जानना चाहेंगे कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब मैं राइटर बनने नहीं, मैं सिंगर बनने आया था जी. मेरे को तो ये नहीं पता था कि मतलब ये पता था अच्छा पैसे कमा लिया, अच्छा म्यूजिक बनाना होता है. अब भाई म्यूजिक बनाएगा कोई, लेकिन गाना क्या होगा, लिखेगा कौन? तो ये करते करते मतलब मैंने लिखना शुरू किया है ना, वन फाइनल रब दाते ने कलम बख्शी और बहुत ही प्यारी बख्शी. तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं एक तरीके की जोन के था, अब पाजी अलग, रफ्तार अलग, तो बहुत सीखने को मिला अपने आप को ना, बदलने का मौका मिला है. मैं कमर्शियल क्या होता है वो देख के बंदा सीखा, मैं तो बहुत चेंज. तो जिदे को जो जो सीखने को मिलता बिल्कुल पढ़ के सीख लेना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, एक सिंगर के लिए लेबल जो है वो सच में रॉयल्टी देता है या फिर वो दिखावटी होता है? रॉयल्टी लेबल देखो इंडिया च रहने हैं तो मतलब है ना, बाहर तो रॉयल्टी किसी ने किताब लिखती ओदी रॉयल्टी है ना, मरन तक मिलती है. बट इंडिया च रहने हैं ये हुन थोड़े जे लॉज कलाकारा वास्ते वधिया नहीं है, सानू रॉयल्टी नहीं मिलती है. उन्हें लेबल दे कोल अगर राइट्स ने तो फिर लेबल दे कोल जांदे है. और कलाकार हूँ तो मतलब ये है कि तुहानू अगर नॉलेज है तो तुसीं वधिया कर सकदे हो, नहीं तो सिखा देगा साहब, सिखा देंदा ते अपने हिसाब ना सीखोगे. ये तो है. अच्छा, मैंज म्यूजिक ने कहा था जो आजा माही का सिंग इज ब्लिंक का वर्जन है वो आपने लिखा है, पर अभी थोड़े टाइम पहले कहा था ना, राइट लिखा था बहुत पहले, बट क्रेडिट कहीं नजर नहीं आता. मेरे को भी अभी पता लगा, मतलब मैंने बताया ना मैं कभी लिखने नहीं आया था जी. और एज अ फैमिली अगर कुछ लिख रहा था तो मेरे लिए बढ़िया काम था, और मैंने पैसों के लिए नहीं लिखा कभी. शुरू ही अपने लिए लिखना शुरू किया था और अपने लिए ही लिख रहा हूँ आज भी. तो तब गाना बन गया और हाँ जी मतलब आजा माही मैंने लिखा, मतलब जो सिंग इज ब्लिंक का वर्जन है. तो अब मेरे को मैंने लिख दिया, मैं आज तक नहीं देखा, मैंने लिख दिया मेरे को पता है. अब मेरे को पता है तो मतलब मैंने आज तक नहीं देखा कि क्रेडिट डले हुए हैं कि नहीं. मतलब हाँ किसी ने इंटरव्यू में पहले जिक्र किया था, तब भी मैंने फिक्र नहीं की थी कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता. लेकिन हाँ अभी जब किसी ने मेरे को वीडियो भेजी थी तो पाजी ने कहा कि टिल्लो ने गाया है, तो मैं कहा मतलब ये तो मुझे पता ही था. तो तब पता लगी स्टोरी की मतलब अच्छा क्रेडिट्स. तो फिर देखो जब वो बहुत बड़ा काम था कि मतलब हाँ अरिजीत जैसे यू नो मतलब लेजेंड ने आप है ना, उनकी वोकल आपके कलम को मिली, तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम था. बट अब बताना, अब तो हो गया ना जो था, कोई बात नहीं, मेरे हक का आज हुआ. अच्छा, जो मैं पूछूं आपसे, इंडस्ट्री में आपने क्या कुछ सीखा, मतलब अगर हम उसको एक पॉजिटिव और नेगेटिव माने तो क्या क्या सीखा, एक पॉजिटिव बताना और एक नेगेटिव बताना. अच्छा यदि मैं गल ना, मैं लिखा सी कुछ तो करदा एक दिन फाइन डे, मतलब इंडस्ट्री तो ही जो जो सीख रहे थे ना, एक तो भर जाता इंसान, तो मैंने तो लिखना बहुत पसंद है. उतरे अज तो हर दिन सीखना, मैं अज तो हर दिन लिखना, मैं रहना दुनियादारी तो दूर जे भीड़ च वखरा दिखना, मैं छड़ देना मूँह मैं पैसे दा जे परलो बिच है टिकना, मैं ना दिल दिखाने ना लारे लाने, उस सच्चे रब दा सिख हां मैं, सच्चे दिल ना गीत बनाने जे कलाकार बन विकना, मैं गल एक पल्ले बन लैनी कि मेरे वर्गा बस एक हां मैं, कि मेरे वर्गा बस एक हां. तो यही सीखा ना, मैं सीख रहा, मैं लिख रहा, कदे नहीं देख रहा कदे देख रहा.